मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अपना जो पार्ट एक जिसका नाम है संख्याएं, इसका आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मतलब हमने कल भी इसका रिवीजन स्टार्ट किया था, कल ही हमने पार्ट पहला जिसका नाम है संख्याएं, इसका हमने रिवीजन शुरू किया था। और आज हम अपनी इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमने प्रश्न किए थे हमने कि शब्दों में कैसे लिखते हैं, कोई भी संख्या है उसको शब्दों में किस प्रकार लिखते हैं, और शब्दों को अंकों में किस प्रकार लिखते हैं, मतलब शब्दों में और अंकों में किस प्रकार लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में है, प्रश्न में शब्दों में लिखा हुआ है तो उसको अंकों में किस प्रकार लिखते हैं, और अंकों में अगर प्रश्न दिया हुआ है तो उसको शब्दों में किस प्रकार लिखते हैं। इन दोनों को प्रश्नों को किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का विस्तृत रूप में उसको किस प्रकार से लिखते हैं, ये प्रश्न भी कर लिए थे। तो हमने कुल मिलाकर 3 प्रश्न कर लिए थे। और आज की क्लास में है प्रश्न चौथे से शुरू करेंगे। तो जो प्रश्न चौथा है उसमें संक्षिप्त रूप में किस प्रकार से लिखते हैं वो देखेंगे। तो प्रश्न जो हमारा प्रश्न चौथा है जिसमें हमें संक्षिप्त रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप, जैसे अब प्रश्न मान लो कोई भी इस तरीके से है, ये प्रश्न आपका है, ठीक है। अब इसको आपको, ये प्रश्न है, इसको आपको उत्तर इसका संक्षिप्त रूप में इसको लिखना है। ये तो क्या है, प्रश्न किसमें दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इस तरीके से लिखना, स्थानीय मान के अनुसार संख्याओं को लिखना, फैलाकर लिखना, ये होता है विस्तृत रूप। इसको तो क्या कहते हैं, विस्तृत रूप। विस्तृत का मतलब फैलाकर लिखना, संक्षिप्त का मतलब छोटा करके लिखना। तो इस संख्या को संक्षिप्त का मतलब छोटे रूप में किस तरीके से लिखेंगे, तो हर संख्या का आप पहला अंक लिखोगे। 70,000 का 7 लिख दोगे, 70,000 से पहले, 70,000 कौन सी संख्या का में आता है, कौन सा स्थानीय मान क्या है 70,000 का, 10,000, ठीक है। जब हम करते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में 10,000, तब मैंने आपको बताया 10,000 में कौन सी संख्याओं को हम शामिल करते हैं। 10,000 से लेकर 99,000 तक की जो भी संख्या होगी वो स्थानीय मान 10,000 में शामिल होगी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, 10,000 से पहले 1,000 आता है, और 1,000 की संख्या में हम 1,000 से लेकर 9,000 तक की संख्याओं का हम स्थानीय मान 1,000 में शामिल करते हैं। तो बिल्कुल मेरा आपका बताने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी संख्या ऐसी, अभी देखो 70,000 का 7 लिख दिया, 3,000 का 3 लिखेंगे सिर्फ, 0 किसी का भी नहीं लेंगे हम। इसके बाद इससे पहले फिर क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आता है हजार। तो हजार से पहले क्या आता है, हजार से पहले सैकड़ा आता है ना, सैकड़ा वाली को संख्या है, ये तो 20 है, यहाँ पे सैकड़ा वाली संख्या नहीं है ना। कैसे पता चलता है यहाँ पे सैकड़ा वाली संख्या, अगर यहाँ पे ऐसी होती 200, 500, 600, जिसके पीछे 2 0 लगी हुई होती। हजार से पहले सैकड़ा आता है, और सैकड़ा में कौन सी संख्या आती है, ऐसी संख्या जिसके पीछे 2 0 लगी हुई होती है। यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, तो सैकड़ा की संख्या नहीं है। तो अगर कोई संख्या नहीं होती तो उसकी जगह हम इसका 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ पे 1,000 से रिलेटेड जो संख्या थी वो नहीं होती तो उसका यहाँ पे 0 आ जाता। अब इसके बाद इससे पहले क्या आता है, सैकड़ा से पहले 10 दहाई आती है ना, दहाई की संख्या आती है, दहाई की संख्या में 1 0 लगता है, तो ये दहाई की संख्या है, तो हम इसका 2 लिख देंगे, और इकाई का अंक हम 4 ले लेंगे। तो सब संख्याओं का हम पहला अंक ले लेंगे, जहाँ पर हमें जो संख्या नहीं है उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। मैं एक और प्रश्न ले लेती हूँ, जैसे 30,000 प्लस 500 प्लस 8। अब ये संख्या, इसको संक्षिप्त रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, 30,000 का हम 3 ले लेंगे। अब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो करने वाले तो 5 कर देंगे, 8 कर देंगे, बट ये रॉन्ग है, ये 5 और 8 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो 30,000 जो संख्या है वो कौन से स्थानीय में मान में हम शामिल करते हैं, 10,000 वाले में ना। अब इससे पहले 1,000 वाली संख्या आती है, गाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,000 और फिर 10,000। तो 1,000 वाली संख्या के पीछे 3 0 लगते हैं ना, 1,000 वाली संख्या के पीछे 3 0 लगते हैं, जैसे इसमें ना। तो वो संख्या देखो आप,
10,000 से पहले 1,000 वाली संख्या आती है ना, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे वो संख्या नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे उसकी जगह जीरो लगा दिया। ठीक है, जीरो लगा दिया। अब इससे पहले आती है सैकड़ा वाली, सैकड़ा में 2 जीरो होते हैं, तो ये सैकड़ा वाली संख्या है, तो इसका हम बिल्कुल यहाँ पे कोई मिसिंग नहीं है। जब नंबर मिसिंग नहीं होता तो उसमें स्टार्टिंग का अंक लिख देते हैं। अब इससे पहले कौन सी संख्या आती है, दहाई, इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा से पहले क्या आती है, दहाई, किसकी संख्या आती है, दहाई में 1 जीरो लगता है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो उसकी जगह कोई संख्या नहीं होगी, तो उसकी जगह जीरो और हम इकाई की संख्या अब 8 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोनों का। इस तरीके से होता है लिखना संक्षिप्त रूप। ठीक है, इसको हम बोलेंगे संक्षिप्त रूप में लिखना। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न 5वां, इसमें क्या है, प्रश्न में इसमें आपको स्थानीय मान लिखना है, स्थानीय मान बताना है। जैसे कोई प्रश्न है, ये प्रश्न इसमें 5 का स्थानीय मान बताना और इसमें 3 का। अब इसमें सिर्फ एक संख्या का ही आपको स्थानीय मान बताना है, तो स्थानीय मान संख्या 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अब आप देखो, ये इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। 10,000 पे आ रहा है ना ये 5, तो सबसे पहले जिसका आपको स्थानीय मान निकालना है पहले वो संख्या लिखोगे, और इसके बाद देखोगे 10,000 वाली संख्या में कितने जीरो लगते हैं, 4। 1,000 वाली में 3 लगते हैं, सैकड़ा के पीछे 2 जीरो लगती है और दहाई के अंक के पीछे 2 जीरो। ऐसे नहीं याद रहता, मान लो भूल जाते हो, तो आप 5 के पीछे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 4 संख्या है, तो जितनी संख्या है इसके पीछे, जिस भी संख्या का आपको स्थानीय मान निकालना है उस संख्या के पीछे की संख्या को गिनना है और उतने जीरो लगा देना है। ठीक है, तो 50,000 इस वाली 3 का देखो, मैं जिस तरीके से आपको बताया, जो संख्या जिसका स्थानीय मान निकालना है वो संख्या लिखो, उसके पीछे की संख्या गिन लो, कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 3 जीरो लग जाएंगे। ऐसे दूसरे आप सही तरीके से करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाली जो संख्या होती है, 1,000 वाली संख्या, उसके पीछे कितनी जीरो लगती है, 3 जीरो। ठीक है, ये हो गया स्थानीय मान निकालना। प्रश्न 6 है, उसमें आपको पर्टिकुलर बोला गया है कि आपको स्थानीय मान निकालना है। किसका स्थानीय मान निकालना है, 2 और 6 का। तो यहाँ पे स्थानीय मान पहले आप देखोगे, स्थानीय मान आपको 2 और 6 का निकालना है, तो 6 पहले आ रही ना, तो 6 का निकालो। स्थानीय मान 6 का क्या होगा, 13, 6। ठीक है, तो ये इकाई का अंक है, तो 6 का स्थानीय मान 6 ही रहेगा, क्योंकि इकाई के अंक में कोई जीरो नहीं लगती है, इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है ना। तो ये इसके अलावा 2 का भी निकालना है, संख्या 2 का, तो 2 का क्या होगा, स्थानीय मान 2 लिखो पहले, इसके पीछे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो लगा। ठीक है, और इसके अलावा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 वाली संख्या के पीछे कितने जीरो लगते हैं, 4 जीरो। ठीक है, तो ये भी स्थानीय मान वाला प्रश्न ही है, और बाकी के जो 7 से 10 तक के जो प्रश्न बचे हैं वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, और उसी के साथ में आपको अपनी कल परसों मतलब मंडे वाली क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि इस पार्ट से कौन कौन से किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, आप इनकी सबकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।